Assalamualaikum, welcome to JSK Design Studio. मैं हूं आपका मेंबर आयशे और आज हम सीखेंगे शैडो टेक्स्ट इफेक्ट इन फोटोशॉप. तो आइए स्टार्ट करते हैं. शैडो टेक्स्ट इफेक्ट बनाने के लिए हम एक आउटपुट लेंगे जिसका साइज होगा 1920x1080 और 300 पिक्सल्स और क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देंगे. हमारे पास एक वाइट आर्टबोर्ड बन चुका है. इसे हम ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे तो ऑल्ट और बैक स्पेस दबाएंगे. लेकिन रुको जरा, उससे पहले हमारे पास यहाँ ब्लैक कलर सेलेक्ट होना चाहिए. ठीक है, ऑल्ट और बैक स्पेस दबाएंगे, ये ब्लैक हो जाएगा. इसके बाद अब हमें इसके ऊपर टेक्स्ट टाइप करना है. लेकिन उससे पहले अरे कहना क्या चाहते हो, हम इस कलर को यहाँ से स्वैप कर देते हैं ताकि वाइट ऊपर टॉप पे आ जाए. ठीक है, अब हम टाइप टूल ले लेते हैं और सिंपली यहाँ क्लिक कर देंगे. जो भी हमारा टेक्स्ट होगा वो टाइप हो जाएगा. अब मैंने टेक्स्ट टाइप किया है शैडो. ठीक है, इसका फॉन्ट साइज मैं कंट्रोल टी प्रेस करके फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ. ठीक है, इतना काफ़ी है. और अब हमें सब लेटर्स को अलग-अलग करना है, अल्फ़ाबेट्स को. ठीक है, तो यहाँ शैडो है, इसको मैं सबको रिमूव कर रहा हूँ, सिर्फ एस बाकी रह जाएगा. ठीक है, ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं डुप्लीकेट कॉपी बना देता हूँ. और यहाँ अब हम टाइप करेंगे H. इसी तरह सारे अल्फाबेट्स स्टेप बाय स्टेप. तो हमारा सारा टेक्स्ट टाइप हो गया है. ठीक है, कंप्लीट हो गया. अब हम इसको सबको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं. अच्छा, मैंने जो इसमें फॉन्ट यूज़ किया है, फॉन्ट का नाम है मिसमो. ठीक है, मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ. यह है मिसमोस, मिसमो का बोल्ड फॉन्ट है. ठीक है, फॉन्ट मैं डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लिंक इसका दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. अब हम इन सब लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ग्रुप कर देंगे. ठीक है, ये हमारा ग्रुप हो जाएगा. तो हम इस पर टाइप कर देते हैं डबल क्लिक करके टेक्स्ट. ठीक है, और अब हम ग्रुप को ओपन करेंगे और सबसे पहले जो हमारा लेटर है एस, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ नीचे से मास्क अप्लाई कर देंगे. ठीक है, फिर उसके बाद हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे इस पर. तो ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट कर लेंगे और लेफ्ट साइड से राइट की तरफ हम ड्रैग करेंगे. ठीक है, तो आपको इसमें शैडो नज़र आ रहा है. मैं इसे थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ. इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप सब लेटर्स पे करेंगे. अब हम एच को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से मास्क अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो हमने सब पे मास्क अप्लाई कर दिया है और आपको ये शेडो भी इसके ऊपर नज़र आ रहा है. ठीक है, तो अब इसके बाद अब हम एक एक अल्फाबेट को सेलेक्ट करके उसे क्लोज करेंगे दूसरे अल्फाबेट के. ठीक है, ये हमारा शेडो आपको इसके ऊपर नज़र आ रहा होगा. ठीक, अब हम सब लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक लेयर्स को. अब इस लेयर को सेलेक्ट किया है और यहाँ से हम रेंगे ब्रश टूल और ब्लैक कलर ऊपर सेलेक्ट करेंगे. ओपेसिटी हम इसकी अराउंड 75% कर देंगे. ठीक है, ब्रश का साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और यहाँ हम थोड़ा सा शेडो मज़ीद क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह सारे लेटर्स में हमें करना होगा. अगर आपको शेडो ज़्यादा लग रहा है तो आप शेडो मज़ीद भी कम कर सकते हैं, 50% कर लेते हैं. ठीक है, आप इस ग्रुप को क्लोज कर देते हैं और इस ग्रुप को ट्रैक करके हम नीचे प्लस के आइकन में लेंगे, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी. ठीक है, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करके टाइप कर देते हैं रिफ्लेक्शन या शेडो. बेसिकली रिफ्लेक्शन बनाना है तो हम रिफ्लेक्शन टाइप कर देते हैं. ठीक, और इसे ट्रैक करके नीचे ले आएंगे, इसके नीचे. अब कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, फ्लिप वर्टिकल. ठीक है, फ्लिप वर्टिकल करने के बाद इसको टेक्स्ट को एडजस्ट करेंगे ताकि स्पेसिंग वगैरह इसकी एडजस्ट हो सके. ठीक है, अब इन दोनों लेयर्स को या दोनों ग्रुप्स को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और साइज़ हम मज़ीद इसका बढ़ा देंगे जितना हमें रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, साइज़ बढ़ाने के बाद यहाँ आपको ये गैप नज़र आ रहा है तो इसे हम दोबारा से एडजस्ट कर लेंगे. ठीक है, टू स्टेप्स हमने और ऊपर कर दिया है. अब उसके बाद अब हम नीचे वाली जो लेयर है इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मास्क अप्लाई कर देंगे. ठीक है, मास्क अप्लाई करने के बाद यहाँ से हम ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ हम ड्रैग करेंगे तो ये आपको एक शेडो नज़र आ रहा है इसमें. ठीक है, और इसकी जो ओपेसिटी है हम उसे डाउन करके अराउंड 80% कर देंगे. ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन में आपको बिल्कुल लाइट सा नज़र आ रहा होगा. ठीक है, अब उसके बाद हम इसी मास्क को सेलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ से ब्रश टूल ले लेंगे. ब्रश टूल लेने के बाद यहाँ टॉप पे हमें ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है और यहाँ जो आपको ये शेड नज़र आ रहा है, ब्रश का साइज़ हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं. यहाँ सिंपली हम ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा और यहाँ
डब्ल्यू पर भी है, ठीक है, यहाँ से भी हमने इसको रिमूव कर लिया। अब हम इसे देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और भी शेडो नज़र आ रहा है तो थोड़ा सा हम इसे ये देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास से ज़्यादा हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।